हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी, आज हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ ये गार्नियर का एक्टिव ब्लैक सीरम मास्क। प्योर चारकोल है एंड हाइड्रेटिंग शीट मास्क है। ब्लैक एक्ने और पिंपल्स को ऑयली स्किन के लिए स्पेशली बनाया गया है, बट मेरी स्किन ड्राई है एंड मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कैसे यूज करना है वो सब बता रही हूँ मैं आपको। इसको फेस पे लगाना है, देन 15 मिनट तक रखना है, उसके बाद रिमूव मास्क, जेंटली मसाज एंड एक्सेस सीरम को हटा देना है। तो चलिए इसको फाड़ते हैं, आप देखते हैं क्या है इसके अंदर, कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम लोग इसका एक्सपायरी चेक कर लेंगे। तो एक्सपायरी अभी बहुत ज़्यादा है, 2026 तक ये चलेगा। ये हमको मिला है ओनली 100 रुपीज़ 99 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इस तरीके से इसको फाड़ लेना है। शिट, बहुत ज़्यादा पानी निकला इसको फाड़ते ही। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है इस तरीके का पूरा गीला मास्क है यू। अब इसको ओपन करते हैं। मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ गाइस, तो इसको ओपन कर रही हूँ मैं। ब्लैक कलर का पूरा सीट है ये ऐसा। और इसको लगाने के बाद 15 मिनट तक आपको अपने फेस पे रखना है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मेरा स्किन जो है वो काफ़ी ड्राई है, तो पहले मैंने फेस पे मॉइस्चराइजर लगा दिया है ताकि मेरा जो हाइड्रेटिंग मतलब ऑयली ऑयलनेस है जो खींच के और ज़्यादा ड्राई ना हो जाए स्किन। तो इसके लिए अगर आप ड्राई स्किन वाले यूज कर रहे हो तो अपना जो भी आपके स्किन पे शूट करता है मॉइस्चराइजर को यूज कर लीजिएगा। और इससे पहले मैंने फेशियल मसाज की वीडियो अपलोड कर दी है, फेशियल की और क्लीनअप की। क्लीनअप से आपको फेशियल जैसा कैसे ग्लो मिलेगा पूरा डिटेल में। तो नोज को इस तरीके से रखना है, इजीली ये चिपक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आईज के जस्ट नीचे ओके, इसको हम लोग 15 मिनट तक ऐसे रखेंगे। तो चलो इसको हमने इस तरीके से लगा लिया है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो 15 मिनट के बाद मिलते हैं गाइस। अच्छे से इस तरीके से फिंगर से करके इसको पूरा चिपका लीजिए और वेट कीजिए 15 मिनट तक ओके। फिर 15 मिनट के बाद मिलेंगे, इसका क्या रिजल्ट है सब कुछ डिटेल में शेयर कर रही हूँ। एंड आपको अगर आपकी स्किन भी मेरी तरह ड्राई है तो मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये चारकोल वाला है। तो चारकोल जो होता है वो आपके स्किन से एक्स्ट्रा डर्ट एक्स्ट्रा ऑयल को खींच के बाहर निकालता है। लेकिन हमको हमारे अगर ड्राई स्किन है तो अगर हमारे स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल खींच के निकल गया बाहर तो हमारी स्किन और ड्राई होगी और एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइंस आ सकते हैं, झुर्रियाँ आ सकती है स्किन पे। तो अगर आप ऐसा कोई चीज़ यूज कर रहे हो जो ऑयली स्किन के लिए है, जैसे मैं अभी रिव्यू देने के लिए आपको यूज कर रही हूँ, तो मैं बताऊँगी क्या क्या असर आएगा इसका अपने आपके स्किन पे। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद और फिर सारी डिटेल आपको शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये 15 मिनट हो चुके हैं एंड मैं आ गई हूँ। पूरा जो फेस का ऑयल था लग रहा है ऊपर से निकल रहा है, देखो ध्यान से, है ना। तो इसको हटाते हैं और देखते हैं। और बहुत ठंडा फील हो रहा था, बहुत ही कमाल की फीलिंग थी। वाह, नाइस, ग्लो तो कर रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि आप ड्राई स्किन पे इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो, लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका स्किन, मैंने पहली बार यूज़ किया था ना तो मैंने बताया, पहली बार में थोड़ा सा डर रहता है किसी भी चीज़ को यूज करने में। तो पहली बार में अगर आप यूज मैंने करके बता दिया तो आपको कोई भी मॉइस्चराइजर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से फेस को क्लीन कर लीजिए और फेस को क्लीन करने के बाद इसको आप डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और हाँ, तुरंत के तुरंत इसको हटाना नहीं है, थोड़ी देर छोड़ दीजिए ताकि स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लीजिएगा और इसको आप चाहो तो अपने यूज करने के बाद दूसरी साइड से किसी और को भी यूज़ कर सकते हो, बट इतना भी कंजूसी अच्छी नहीं है, दूसरा ही ले लीजिएगा। तो चलो
इसको तो मैंने लगा लिया, तो फेस काफ़ी अच्छा फ्रेश फील हो रहा है, सारे डर्ट और गंदगी लग रहा है निकल गया है फेस से और काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा है। तो इसको मैं अभी नहीं रिमूव करूँगी, मैं 10 मिनट के बाद से पानी से इसको नॉर्मल पानी से वॉश करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा रिजल्ट आया है। तो 10 मिनट के बाद मैंने इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है और स्किन के काफ़ी अच्छी लग रही है, फ्रेश लग रही है। तो आप इसको ले सकते हो, नो डाउट ऑयली ड्राई स्किन सब लोग यूज कर सकते हैं, इस पर फेसली ऑयली के लिए लिखा हुआ है बट ड्राई स्किन के लिए भी बेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए और भी इस तरीके की अमेजिंग वीडियोज देखने के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी क्लीनअप में फेशियल जैसा ग्लो, फेशियल से भी ज़्यादा ग्लो कैसे आएगा, वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा। और सेंसिटिव स्किन पे कैसे ब्लीच करनी चाहिए, सारी वीडियो डिटेल में जा चुकी है, तो चेक जरूर कीजिएगा।